वेलकम टू माय चैनल सीमा होम किचन। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सीमा। कैसे हैं आप सब? तो जनाब, आज मैं आपके लिए एक बेकिंग की डिश लेकर आई हूँ, एप्पल कस्टर्ड पाई की डिश। तो इसमें मैंने एक सीक्रेट चीज यूज किया, जो मैं एप्पल कस्टर्ड पाई या एप्पल कस्टर्ड टार्ट पाई आप कह लें, उसके बनाने में यूज करती हूँ, कस्टर्ड बनाने में। तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। तो चलो हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। बिस्मिल्लाह। तो चलें फिर हम सबसे पहले कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं, ठीक है। जो कस्टर्ड कप है, ये मैंने 3 कप मिल्क लिया है और इसमें मैं 2 अंडा डालूंगी। अंडा है और इसको पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ठीक है, बिफोर हम कस्टर्ड चढ़ाएं। तो फिर अब मैं इसमें जो है 1/2 कप जो है योगर्ट डाल रही हूँ। ख्याल रखिएगा योगर्ट बिल्कुल ठीक हो, इसमें पानी नहीं हो। अगर योगर्ट में पानी हुआ तो आपका ये जो योगर्ट कस्टर्ड है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो इसका ये है कि आप योगर्ट को किसी छलनी में डाल दीजिए और उसका पानी नीचे रह जाएगा, फिर आपका योगर्ट का जो कस्टर्ड है बहुत अच्छा बनेगा। अब मैं इसमें 1.5 कप जो है शुगर डालूंगी। अच्छा, मैंने योगर्ट जो है ग्रीक योगर्ट यूज़ किया है। मैं 1.5 कप में शुगर डाल रही हूँ। फिर मैं इस कस्टर्ड को बनाऊंगी। इसके लिए मैंने कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर ना हो तो आप कॉर्न स्टार्च को भी यूज़ कर सकती हैं। मैं 4 टेबल स्पून जो है कस्टर्ड पाउडर इसमें डालूंगी। इसमें मैं अब 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क शामिल करूँगी कस्टर्ड के अंदर। बाकी कंडेंस मिल्क जो है वो मैं ऊपर से डालूंगी। ये देखिए, ये थिक क्रीम है, ठीक है, थिक क्रीम है ये। इसको मैं 1/2 डालूंगी इसके अंदर। अब कस्टर्ड जो है ये मैंने पकने के लिए रख दिया है। बस आप इसे चलाते रहिएगा, बहुत ज़्यादा मुझे थिक नहीं करना है। 1/2 टीस्पून के करीब मैं इसमें वेनिला एसेंट ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें जो है 1 पीस बटर का वो डाल रही हूँ, ताकि थोड़ा क्रीमी लुक आएगा। और इसको ठंडा होने के लिए मैंने कस्टर्ड छोड़ दिया। देखिए, कस्टर्ड मेरा बिल्कुल रेडी हो गया, ठीक है। अब मैं जो हूँ इस तरफ आ जाती हूँ। तो चलें, अब मैं एप्पल की तरफ आ गई हूँ। मैंने 5 सेब लिया था और सेब की मैंने इस तरह से स्किन उतार के इस तरह से स्लाइस काट लिया है। इसमें जो है मैंने 2 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस विथ स्किन के, यानी लेमन ज़ेस्ट के साथ मैंने ये 2 टेबल स्पून लिया है, वो मैं इसमें डाल गई हूँ। और ये सिनेमन पाउडर है, तकरीबन मैं 1 टीस्पून के करीब इसमें डालूंगी। आईबॉल यूज कर लीजिए। और इसमें ये शुगर है जो कि 1/4 कप है, मैं ये ऐड कर रही हूँ। और 1/3 कप जो है मैं ब्राउन शुगर भी ऐड करूंगी। इसमें मैं 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च मिलाऊंगी। कॉर्न स्टार्च बेसिकली ये बाइंडिंग का काम देता है। जब ये बेक होगा तो ये बिखरेगा नहीं, आई मीन्स जो शुगर और ये सब सेपरेट हो जाता है, वो उससे बचता है, बचाता है और बाइंड करता है, बाइंडिंग का काम करता है कॉर्न स्टार्च का। अगर कहीं पे आप लोगों के पास कॉर्न स्टार्च नहीं है तो आप 2 टेबल स्पून जो है मैदा मिला लीजिएगा, वो भी इसी का काम, बाइंडिंग का काम करता है। अब हम इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे जब तक हमारा ये हो। बिस्मिल्लाह मान लें। चले, हम बहुत स्लो पहले इसको करेंगे। हम इसमें सबसे पहले 1/4 कप जो है मैं वेजिटेबल ऑयल डाल रही हूँ। अब किसी भी कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है। मैंने वैसे भी आपको पाई की रेसिपी दी हुई, ब्लू बेरी पाई जो मैंने बनाई थी वो सेम इसी तरह है। अब मैं एक एक करके बटर डालती जाऊंगी इसमें।
ये बटर तकरीबन मेरे पास हाफ पाउंड बटर है और एक एक करके मैं इसमें सारे बटर डालूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा वाटर यूज़ करूँगी। तकरीबन मैंने 1 कप वाटर लिया हुआ है, लेकिन मैं पूरा यूज़ नहीं करूँगी। जितना मुझे ज़रूरत होगा मैं उतना ही दूँगी इसके लिए। और ठंडा वाटर यूज़ कीजिएगा, गर्म पानी मत लीजिएगा, ठंडा पानी लीजिएगा। बहुत सेट, बहुत अच्छी तरह से ये तैयार हो गया, देख लीजिए आप। बस तकरीबन समझिए मैंने 4-5 टेबल स्पून के करीब मैंने पानी यूज़ किया है और हाफ कप जो है पानी मेरा रह गया। तो इसका मतलब है 1 कप में से मैंने हाफ कप पानी यूज़ किया है, बल्कि हाफ से ज़्यादा ही मैं डालूँगी। और इसको मैं इस तरह फैला के प्रेस करूँगी। देखिए बटर जो है इसमें अभी भी नजर आ रहा है। देखिए ये इस तरह से मैंने कर लिया। इसके लिए बेहतरीन पार्ट ये है कि जब मैं इसमें डाला तो मैंने इसको इस तरह से करना शुरू किया तो ये प्रेस होना शुरू हो गया। आप इसमें बटर देख सकते हैं कितना अच्छा बटर मौजूद है इसके अंदर हर इसमें, और जब ये बेक होगा तो ये बटर पूरी तरह से मेल्ट होके टेस्टी बन जाएगा। अच्छा एक चीज़ ये कि मैंने आपको बताना भूल गई कि मैंने 5 कप जो है मैदा लिया था, 5 कप मैदा लिया था और हाफ पाउंड मैंने बटर यूज़ किया था। तो मैं शायद आपको बताना भूल गई उस वक्त। अब इसमें मैं क्या करूँगी, ये जो एप्पल है वो मैं सारा इसमें डालूँगी, फैला दूँगी। अब इसमें जो है ये कस्टर्ड जो है वो मैं पूरा इसके ऊपर डालूंगी इस तरह। ये जो मैंने लेफ्ट ओवर मेरे पास है उसको मैं इस तरह इस पर डालना शुरू कर दूंगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बहुत तरतीब से डालें, बस ये क्रम्स इसके ऊपर मैं इसका बना के डाल रही हूँ। टॉप पे ये कंडेंस मिल्क जो है आप डाल दीजिए इस तरह।
अब ये 350 डिग्री पे अबाउट 40 मिनट्स बेक होगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो जनाब देखिए, ये मेरा केक जो है बन के बिल्कुल रेडी हो गया है, और मैंने इसके ऊपर आपके सामने जो कंडेंस मिल्क डाला था उसकी वजह से बहुत अच्छा कैमलाइज होकर रह गया है, तो बहुत अच्छा खूबसूरत कलर आया है। आपको मैं काट के दिखाऊंगी, लेकिन थोड़ा ये कूल हो जाए, ठंडा हो जाए, फिर मैं इसे काटूंगी। और इसके ऊपर जो ये कलर है, ये बहुत खूबसूरत कलर है, जो कि हमारे कंडेंस मिल्क की बरकत है, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। जनाब ये मैंने निकाला है, और इसके ऊपर मैंने आइसिंग शुगर से डिज़र्व किया है। आप इसको बनाइएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जनाब आपको ये मेरी एप्पल कस्टर्ड पाई कह लें या एप्पल कस्टर्ड टार्ट पाई कह लें, आपको कैसी लगी, आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही यम्मी और मज़ेदार रेसिपी है। और प्लीज़ मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियो के बारे में पता चले। फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए अंदाज में। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।